हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो फाइनली दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ पढ़ाई के रिलेटेड वीडियो, जिसमें बताना चाह रहा हूँ। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं ज़्यादा कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ दोस्तों। 2007 में मैंने चौथी पढ़ते हुए पढ़ाई छोड़ दी थी। आपको मालूम है, बचपन में बच्चों को खेलने और कूदने का शौक रहता है, वैसे ही मुझे खेलने और कूदने का शौक था और मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। घर वालों ने बहुत बोला कि भाई पढ़ाई कर ले, लेकिन मैंने घर वालों की नहीं सुनी और मैंने पढ़ाई छोड़ दी। फिर बाद में 2016 में मेरे गुरुजी भंवरू जी ने मुझे बोला कि महबूब, तू 10वीं का फॉर्म भर दे, तू 10वीं पास कर लेगा। तो मैंने सोचा ये इतना कुछ कह रहे हैं तो इनकी बात मान लेते हैं और 10वीं का फॉर्म भरते हैं। फिर 2016 में मैंने परीक्षा का फॉर्म भर दिया और 2017 में मैंने परीक्षा दी और परीक्षा में मैं पास हो गया। उसके बाद 2019 में मैंने रेलवे डी ग्रुप का फॉर्म भरा था। कोरोना काल के कारण परीक्षा हो नहीं पाई, इसलिए कल मेरी परीक्षा है 20 सितंबर 2022 को रेलवे डी ग्रुप की। तो आज मैं शाम को बीकानेर जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये मेरे डॉक्यूमेंट है, मैंने तैयार कर लिए। ये मोबाइल स्टैंड है, व्लॉग बनाने के लिए चाहिए साथ में। देखिए, मैंने पेंट साथ में लिए, नाइट पेंट पहन लिए मैंने, क्योंकि रात को ट्रेन में परेशानी होगी सफर में, तो ये साथ ले लिए, सुबह पहन लूंगा। सफर में घर का खाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं साथ में घर का खाना लेके जा रहा हूँ। ये पानी बोतल भी ले लिए साथ में। ये मेरा बैग रेडी हो चुका है। देखिए, बिछाने के लिए और कोट लेने के लिए मैंने साथ में ले लिया है, क्योंकि सुबह सुबह सर्दी ज्यादा लगती है। सेलिब्रिटी जा रही है अच्छी। रेलवे स्टेशन आ चुके हैं, ट्रेन आ रही है हमारे पीछे। Train number 12468 Jaipur Express from Jaipur to Jaisalmer via Bikaner has arrived on Nagaur platform number 1. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1, 2, 4, 6, 8 जयपुर एक्सप्रेस जयपुर से चलकर बीकानेर के रास्ते जैसलमेर को जाने वाली नागौर प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आ चुकी है। धन्यवाद।